स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है बगदाद शहर से, जहाँ एक नौजवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। यूं मानो कि उसकी दुकान उस दरिया की तरह थी जिसमें सोने की नदियां गिर रही हों। उसका घर घर नहीं बल्कि एक महल था। नौकर और नौकरानियों की पूरी फौज थी। इतनी शानो शौकत में रहने वाला ये नौजवान, जिसका नाम अली था, वो कभी कभी कुछ बेचैन सा रहता था, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बगदाद शहर के बाजार में अक्सर गुलामों को बेचने के लिए एक मंडी लगा करती थी। एक दिन अली जब उस बाजार से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नज़र गुलामों की भीड़ में शामिल एक लड़की पर पड़ी, जो किसी परी जैसी सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसका गोरा रंग देखने वालों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो लड़की जब मुस्कुराती तो उसके मुंह से मानो बिजलियां कोंदने लगती। जैसे जैसे अली उस लड़की को देखता, उसे लगता कि मानो वो उससे प्रेम करने लगा है। उस लड़की का मासूम चेहरा अली के दिल की गहराइयों में उतर गया। अली को समझते देर ना लगी कि ये लड़की भी गुलामों की इस मंडी में बिकने के लिए लाई गई है। अली ने मुंह मांगे दाम देकर उस लड़की को खरीद लिया, उसे अपने घर ले आया। वो उसी का होकर रह गया। अली ने उस लड़की से शादी कर ली। अली अब उसका इस कदर दीवाना हो चुका था कि जब वो अपनी दुकान पर जाता तो कुछ ही देर में बेकरार होकर घर वापस आ जाता। अली अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता कि मानो सूरज भी उस पर किरने ना डाले। जैसे ही वो दुकान खोलता, उसे घर पर बैठी हुई बीवी का ख्याल आता और दीवानों की तरह दुकान बंद करके वो घर पहुंच जाता। उसने अपनी बीवी को प्यार से गुलनाज नाम दिया। गुलनाज के आने से उसकी जिंदगी बदल गई थी। अली की बेरंग जिंदगी में जैसे बहार आ गई हो। इससे पहले तो जैसे वो सिर्फ खाता पीता और सोता ही था। गुलनाज के प्यार ने उसके पत्थर दिल को जैसे पिघला कर रख दिया। अब अली को उगते सूरज, चहकती चिड़ियां और बहते पानी से भी प्यार हो चला था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अली के प्यार का जुनून बढ़ता ही गया। उसके इस बेइंतहा प्यार का असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। दुकान बंद रहने लगी, आमदनी कम हुई तो वो जमा की हुई दौलत खर्च करने लगा। लेकिन अली को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसी प्रेमिका मिल गई जो उसके लिए इस पूरी दुनिया की दौलत से भी कहीं बढ़कर थी। ये अपनी दुकान पर खड़े ग्राहकों को छोड़कर गुलनाज को मिलने पहुंच जाता। जब कभी गुलनाज समझाती कि जाओ अपना व्यापार करो और दुकान की खबर लो, कहता कि मुझे व्यापार से क्या मतलब, तुम ही मेरी दौलत हो। वो दिन भी आ गया जब व्यापार चौपट हो गया, दुकान बंद हो गई, मानो सोने का कुआं सूख गया हो। नौकर नौकरानियां सब चले गए, महल बिक गया, धीरे धीरे सारी जायदाद भी खत्म हो गई। वो दोनों अब एक झोपड़ी में रहने लगे। इतना सब हो गया तो भी गुलनाज ने उसका साथ नहीं छोड़ा। घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा, पहनने को नहीं बचा। एक दिन वो भी आ गया जब अली की पत्नी को बच्चे की आस हुई। सर्दियों का मौसम था जब पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। वो दर्द से छटपटाने लगी और अली से कहने लगी, सुनो मेरे शोहर, मैं दर्द से मर जाऊंगी, जाओ मेरे लिए रोगन शहद और आटा लेकर आओ, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। और सुनो, जरा जल्दी करना, अगर देर हो गई तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे, क्योंकि ये भूख और दर्द मेरी जान ले लेगी। अली इतनी रात में शहर की तरफ दौड़ा। दुकानें और बाजार बंद थे, लोग घरों में मजे की नींद सो रहे थे और ये मोहब्बत का मतवाला परदेशियों की तरह मारा मारा फिर रहा था। ये दौड़ता हुआ बगदाद के पुल पर जा पहुंचा। उसे अपनी बीवी की हालत का ख्याल आया तो मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे।
उसे अपनी प्रेमिका के खात्मे के बाद आने वाले अकेलेपन का डर सताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी की जान कैसे बचाए। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन इस बेचारे के पास कोई ऐसी चीज ना थी जो उसको ला कर देता। सारा शहर छान मारा, लेकिन कहीं कुछ भी ना मिला। बुरे ख्यालों ने जब उसको घेरा तो सोचने लगा कि अगर दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं, तो शायद अगले जहान में इकट्ठे हो जाएंगे। इस अंधेरी रात में चारों तरफ खामोशी छाई थी और अली आत्महत्या करना चाहता था, अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका की मदद नहीं कर पा रहा था। वो दरिया में छलांग लगाने ही वाला था कि उसे अपनी प्रेमिका का इंतजार और तकलीफ याद आ गई। वो दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, मेरी बीवी और उसके पेट में जो कुछ है, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वो दरिया को देखते हुए सोचने लगा, इसमें कूदने पर मौत जल्दी आ जाएगी या देर से? क्या ऊपर वाला आत्महत्या करने वालों को माफ करेगा या नहीं? क्या वो मुझे सजा नहीं देगा? आत्महत्या करना तो पाप है, मरने के बाद मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? और वो वापिस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। सुबह की किरणें फूट रही थी, चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देने लगा। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ता जाता, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते। अपनी बीवी की मौत का ख्याल उसे डराने लगा। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, जो शायद उसकी बीवी की दर्द भरी चीखें सुनकर इकट्ठा हो गए थे। इतनी भीड़ जमा देखकर अली का दिल बैठ गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी बीवी मर चुकी है। उसकी हिम्मत ना हुई कि वो अंदर जाकर अपनी मरी हुई बीवी को देख सके। वो चीखता चिल्लाता, रोता पीटता, बाल नोचता वहां से वापस तोड़ पड़ा। वो दीवानों की तरह भागता रहा, जिधर मुंह आया उधर को चल पड़ा। उसके होशो हवास गुम हो चुके थे। वो बस्तियों और शहरों में घूमता हुआ एक दूसरे शहर कतार में जा पहुंचा। वहां के लोग उस पर तरस खाकर उसे खाना दे देते, लेकिन कोई ये ना पूछता कि तू कौन है और कहां जाना है। कुछ समय बीता तो उसकी हालत में कुछ सुधार होने लगा। अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो चुकी थी। तब एक जानने वाले ने उसे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दे दिए। अली ने फिर से व्यापार शुरू किया। व्यापार की बारीकियां तो वो पहले से ही जानता था। नतीजा ये निकला कि वो थोड़े ही समय में एक बार फिर से मालदार हो गया। घर में सोने चांदी की रेल पेल हो गई। ये अपने पुराने घर के पते पर पड़ोसियों को चिट्ठी लिखता रहता। करते करते उसने 66 खत लिखे, जिसका कुछ भी जवाब ना आया। जिस आदमी ने बीवी की मोहब्बत में इतने साल गुजारे हों, उसके लिए इस दौलत का कोई मोल नहीं था। अली ने दौलत से अपने लिए एक बड़ा घर, नौकर चाकर, ऐशो आराम का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन दिल उसका आज भी बेचैन ही रहता था। रात को जब वो सोने जाता तो अपनी बीवी को याद करके रोने लगता। उसे अपना पुराना घर याद आता। देखते देखते 28 साल बीत गए। उम्र का वो पड़ाव भी आ गया जब वो बूढ़ा हो गया। वो घबरा गया कि कहीं उसे इस हाल में मौत ना आ जाए कि वो अपनी महबूबा की कब्र भी ना देख सके। वो रातों को बेचैन रहने लगा। फिर उसने बगदाद वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने 28 साल की कमाई हुई जायदाद 20,000 अशरफियों में बेच दी और एक काफिले के साथ बगदाद की तरफ चल पड़ा। दिल में बस एक ही इच्छा थी कि बीवी की कब्र पर एक शानदार इमारत बनवाए और वहीं का होकर रह जाए। लेकिन उसकी खराब किस्मत कि रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने काफिले का सारा माल लूट लिया और इसका भी। वो लूटा पिटा रात दिन चलता रहा और सोचता रहा कि ये दुनिया दुखों और मुसीबतों का घर है। बीवी की जुदाई का दुख अभी खत्म भी ना हुआ था, दूसरा दुख आ पड़ा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैंने अपनी बीवी
और उसके पेट में पल रहे बच्चे को खुदा के सुपुर्द किया था। क्या पता वो दोनों सलामत हों। वो सोचता सोचता दरिया के किनारे आ पहुंचा। किस्मत से वहां पर एक बड़ी नाव लगी थी जो बगदाद शहर की तरफ जा रही थी। वो नाव पर सवार हो गया। शाम के वक्त वो बगदाद पहुंचा। अली उसी पुल से गुजरा जहां वो 28 साल पहले आया था। उसके मन में आया कि फिर से अपनी बीवी के लिए रोगन और शहद खरीद ले, लेकिन फिर उसे एक झटका सा लगा कि ये कोई घंटों पहले की बात नहीं बल्कि 28 साल पहले की बात है। इतने वक्त में तो ना जाने कितने लोग पैदा हुए और कितने मर गए। ये वहां से अपने वीरान घर को ढूंढने चल पड़ा। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि उस वीरान घर की जगह पर एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बना हुआ है। महल के दरवाजे पर कई नौजवान खड़े हैं। ये सोच में पड़ गया, वापिस मुड़ा कि किसी से पूछ ले, लेकिन पूछे तो किससे पूछे, सारी जगह तो अब बदल चुकी थी। अचानक उसकी निगाह पास की ही एक दुकान पर पड़ी। उसने दुकान वाले से पूछा कि ये महल किसका है। दुकानदार ने बताया कि ये महल एक नौजवान का है जिसका बाप 27 साल पहले गुम हो चुका था। उसका कुछ पता ना चला। उस नौजवान का किस्सा भी बड़ा अजीब है। दुकानदार ने आगे कहा, इस नौजवान का बाप एक जाना माना व्यापारी था। उसने एक कनीज खरीदी और फिर उसी का होकर रह गया। यहां तक कि साल बाद कनीज को जब प्रसव पीड़ा हुई और वो व्यापारी उसके लिए सामान लेने गया तो फिर वापिस ना आया। लेकिन मेरे माता और पिता ने उस कनीज की मदद की और वो मां बन गई। जबकि व्यापारी ने समझा कि उसकी बीवी मर गई है, उसके दुख में पागल होकर वो घर से निकला। 27 साल बीत गए, आज तक वापिस नहीं आया। इसी बीच शहर के कोतवाल के घर बच्चा पैदा हुआ जो किसी का दूध नहीं पीता था, परंतु सिर्फ उस कनीज का ही दूध उसने पिया। कोतवाल ने कनीज को अपनी बहन की तरह माना और उसका और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखा। और आज उस कनीज का बेटा एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका है। ये सुनकर अली का सिर चकरा गया। उसे अपने आसपास की जमीन घूमती हुई सी महसूस हुई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने दुकानदार से पूछा, इस नौजवान व्यापारी की माँ कहाँ पर है। जवाब सुनने के लिए अली इस कदर बेचैन था मानो वो किसी अदालत का अपराधी हो और उसे कत्ल के जुर्म की सजा दी जानी हो। दुकानदार ने बताया कि आजकल वो सामने वाले महल में रहती है। अली की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो जल्दी जल्दी महल की तरफ पढ़ने लगा। उसकी सारी थकावटें दूर हो गई। जवानी की यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो सोच रहा था कि मैं जिस महबूबा की कब्र के साथ दफन होने के लिए आया था वो आज भी जिंदा है। वो बच्चा जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। जब अली घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो घर का मालिक जो एक जवान लड़का था उसने पूछा, साहब क्या तलाश करते हो। अली का दिल धड़कने लगा। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस इतना ही कह सका कि मैं तेरा बाप हूं। लड़के को एक झटका सा लगा। बोला, मेरे पीछे पीछे आइए। इस लड़के के पीछे पीछे चलता हुआ वो एक कमरे के बाहर पहुंचा। लड़के ने उसे वहीं पर खड़ा किया और अंदर अपनी माँ से पूछने के लिए चला गया। अली के दिल से आवाज आई कि अंदर उसकी बीवी ही है। उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज पहचान कर उसकी बीवी दौड़ती हुई आई, बाहर आई और उसे जिंदा देखकर खुशी के आंसू बहाने लगी। चाहती थी कि फौरन अली के सीने से लग जाए, लेकिन जवान बेटे के सामने ऐसा ना कर सकी। उनका बेटा बगैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया ताकि उसके माँ बाप जी भरकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकें। इस तरह वो शख्स जो अपनी प्रेमिका को मुर्दा समझकर चल दिया था, उसके प्रेम में पागल हो गया था, आज जब वापिस आया तो अपनी प्रेमिका को जिंदा पाया और साथ ही अपने बेटे को भी पा लिया। वो घर जो कल तक वीरान था आज महल बन चुका था।
उसे अपनी पत्नी भी मिल गई और बेटा भी। इसके बाद वो जब तक जिंदा रहा बड़ी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रहा।